आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। कई दिनों से बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और उसकी सुनवाई के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला लिया है। 6 अगस्त से पहले जब ये तारीख हुई तो मध्यस्थता टीम को एक अर्जी देनी थी कि कहां तक उनकी सुनवाई पहुंची, और जब मध्यस्थता गठित टीम पूरी तरह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर फेल हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि 6 अगस्त से लगातार हफ्ते में 3 बार कोर्ट की सुनवाई की जाएगी। 6 अगस्त आया, 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त को सुनवाई हुई, हफ्ते में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के। निर्मोही अखाड़े को 6 और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ तौर पर कह दिया कि अगर सबूत है बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर के तो सबूत लाइए, और जब सबूत मांगे गए तो निर्मोही अखाड़े ने बयान दिया कि सबूत जो थे वो खो गए, उन्हें डकैत ले गए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शारिक अदील यूसुफ मौजूद हैं, पर उससे पहले बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है बाबरी मस्जिद और मुसलमानों को लेकर के, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बुधवार को कहा कि हमारे हिंदू मुस्लिम मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पूर्वज हमारे एक ही हैं, पूर्वज हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं और मजहब से ऊपर हमारे पूर्वज होते हैं। चित्रकूट में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बांगबरी मठ पधारे बाबा रामदेव ने संवाददाताओं से कहा कि अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए सभी मुसलमानों को खड़ा होकर राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके मजहब अलग अलग हैं लेकिन इनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक ही हैं। इनका डीएनए कहीं बाहर का नहीं है, ये कोई मक्का मदीना से, ईरान से या कहीं मिस्र से नहीं आए हैं। उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर मामले की सुनवाई तेज किए जाने से क्या फैसला जल्दी आ जाएगा? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि सरदार पटेल के बाद देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस पहली बार देखने को मिला है। जब अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने धारा 370 को समाप्त करके विधेयक दोनों सदनों में पारित कराया, उन्होंने कहा कि राम जो हमारी आस्था है, अस्मिता है, हमारा इतिहास और वर्तमान है, हमारे पूर्वज हैं, उनका मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान या मक्का मदीना में बनेगा? यह जमीन का मुद्दा नहीं है बल्कि जमीर का मुद्दा है। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर कोर्ट से निर्णय आने में देरी होती है तो यह दुर्भाग्य होगा। मध्यस्थता से यह मामला सुलझना होता तो कब का सुलझ जाता, यह मामला कोर्ट से ही सुलझेगा। संसद यदि इस कार्य में पहल नहीं करेगी और अगर देश के लोगों को खड़े होकर मंदिर बनाना पड़े तो यह देश के लोकतांत्रिक के लिए दुर्भाग्य होगा। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई चल रही है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से दस्तावेज जुड़े सबूतों का अपना अधिकार साबित करने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कुर्की से पहले राम जन्मभूमि के कब्जे का मौखिक या लिखित सबूत है, जिसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1985 में एक डकैती हुई थी, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड खो दिए। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन इस मामले पर बहस कर रहे थे। आज सुनवाई में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि ऑनरशिप और कब्जे की मांग कर रहे हो, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक नहीं बल्कि कब्जे से है। उनका कहना है कि उन्हें राम जन्मभूमि पर कब्जा दिया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या भूमि विवाद मामले पर मंगलवार से रोजाना सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के माध्यम से कोई आसान हल नहीं निकलने पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राम मंदिर पर जब बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फैसला ही करने वाला है, तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे देश में मौजूद हैं जो देश का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं बाबा रामदेव। तो शारिक, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के बाबा रामदेव ने बयान दिया और साफ तौर पर एक गाली देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल है कि मुसलमानों के पूर्वज राम कृष्ण और शिव भगवान हैं, तो मुसलमानों को राम मंदिर के लिए सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें भी राम मंदिर बनाना चाहिए, किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं? इस तरीके से उनके बयान तो इतना ही मजबूत है कि वो अगर नमक प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं कि 4 महीने में नमक एक्सपायर हो जाएगा, जबकि वो नमक वहां पे करोड़ों साल से है। तो अगर करोड़ों साल से और तब एक्सपायर नहीं हुआ, तो इनके बेचने से एक्सपायर अगर हो रहा है तो उसी में समझ में आ जाता है कि कितना नॉलेज है। और भले ही अपने योग के लाइन में कितना भी बढ़िया से काम कर रहे हो या इनको कितना भी योग के लाइन में अपने कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन ये इस तरह की बातें करना जिसका कोई बेस नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। कि अगर आप किसी को पूर्वज अगर किसी का आप बताना शुरू कर दिया अगर आपने, तो ऐसे तो कितने पूर्वज निकल के आ जाएंगे, कितने आदमी यहाँ पे चंगेज खान के होंगे खानदान से, और कितने यहाँ पे मुगलों के खानदान से होंगे, कितने यहाँ पे द्रविड़ियन होंगे तो कितने आर्यन होंगे, तो इसमें तो फर्क पे फर्क निकलता आएगा और ये कोई बेसिस नहीं है डिसाइड करने का। लेकिन जब अदालत ने ये बोला है कि आप सबूत दीजिए इस चीज का कि वहां पे मंदिर था तो मंदिर बनाने देंगे, उस चीज का सबूत खाली अदालत मांग रही है, आप वो सबूत ला के दे दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के 100% मुस्लिम ऐसे होंगे जो सबूत आते ही, अगर किसी मंदिर का सबूत आता है तो खुद वो जमीन दे देंगे कि आप इस पे मंदिर बना लीजिए, हमें इस पे मस्जिद नहीं चाहिए। लेकिन आप वो सबूत लाइए तो पहले कहीं से, वो सबूत है कहाँ? वो आपका रफेल का जब सबूत की बात हुई थी तो उस टाइम आग लग गई थी, उस टाइम रफेल का ये गायब हो गया था। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई नेक्स्ट मुद्दा आता है उसमें आपका सबूत गायब हो जाता है, फाइल गायब हो जाती है। अब ये मुद्दा खड़ा हो रहा है तो इसमें भी फाइल गायब हो जाएगी। और नाव को इसी तरीके से इन्होंने खत्म करने की कोशिश किया, तो ये हर केस को किसी न किसी तरीके से खत्म करके और किसी न किसी बहाने से बस टालने की कोशिश कर रहा है। शरीक, बयान से साफ तौर पर एक उग्रता जो बाबा रामदेव की है, मुसलसल ऐसे बयान वो अक्सर देते रहते हैं, पर जो 2014 से पहले अन्ना के आंदोलन में जा करके और अन्ना के आंदोलन के बाद अपना आंदोलन करने वाले जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं और देश को काला धन लाने वाले थे, तो क्या कहेंगे जो असल में मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका करके देश को एक अलग राह पे ले जाने की कोशिश बाबा रामदेव द्वारा नहीं है? अगर इस पे भी आप इस तरीके जैसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर यही सवाल आप उनसे पूछेंगे तो कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि बाबा रामदेव उसको भी तोड़ मोड़ के बोल देंगे, ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल आसन है। तो हर चीज को तो किसी तरीके से वो ऐसा रुख देने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला उस पर सवाल ही ना उठा सके। तो ये चाल होती है और राजनीति होती है और अलग अलग तरह की चीजों में आ जाता है कि अपनी बात बनवाने के लिए या बस बोलने के लिए, जो कुछ नहीं है करने के लिए तो कुछ तो बोलेंगे। तो इस तरह के माहौल में ही लोग ज्यादातर इस तरह की बातें बोलते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, और इनकी ज्यादातर बात वैसी है जिसका कोई बेस ही नहीं है।
क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट जब इस केस की खुद ही सुनवाई कर रहा है, जहां फैसला ले लिया गया है कि हफ्ते में 3 बार इसकी सुनवाई की जाएगी, आप सबूत लेकर के आइए, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से खुद को बड़ा बनाने वाले बयान देना कहां तक देश हित के लिए सही है और देश के लिए कितने घातक हैं बाबा रामदेव जैसे और भी तमाम नेता हैं और तमाम बाबा हैं जो ऐसे उत्तेजना भरे बयान देते रहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खुद को समझने लगे हैं ये लोग? बीच में कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की ने कुरान से रिलेटेड कुछ कमेंट्स वगैरह डाले थे, तो उसको कोर्ट की तरफ से उसको ये सजा मिली थी कि आप ये किताब जो है कुरान 5 लोगों को बांटिए या कुछ लोगों को बांटिए, तो उन्होंने वो करने से मना कर दिया था। और वो पहली बार था कि हम कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन को देख रहे थे और ओपनली हो रहा था, ऐसा नहीं था कि लोगों ने छुपा के बोला ये चीज या छुप के किया, लोग सामने आके और अपने पूरे जोरों से ये बातें बोल के तब उन्होंने ये स्टेप्स लिए थे। तो अभी के टाइम पे भी अगर कोर्ट ये कर रहा है और ये सामने से खड़े हो रहे हैं अपना कोर्ट के ऑर्डर को और कोर्ट के फैसले को काटने के लिए, तो ये जिसको जनतंत्र जिसको बोल रहे हैं ये जनतंत्र को तोड़ना ही हुआ कहीं ना कहीं, और बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल है कॉन्स्टिट्यूशन के भी और खुद इनके रिलीजन के भी। तो शारिक अदिल यूसुफ हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद थे, जहां खुद ही सुप्रीम कोर्ट से खुद को बड़ा बना करके बाबा रामदेव इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। बाबा रामदेव योगा आसन छोड़ करके देश में मंदिर मस्जिद के खेल में फंसते जा रहे हैं और देश को उलझाने की जो एक कोशिश बाबा रामदेव द्वारा की जा रही है उसके ऊपर बोलना लाजमी है, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बाबाओं के मुंह से शोभा नहीं देता और अगर बाबा होते तो इस तरीके के बयान वो ना देते। पर मुझे डर है कि ये खबर हम लोगों ने की है जिस तरह सवाल पूछने पर पुण्य भूषण वाजपेयी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी नौकरी चली गई। इससे पहले भी बाबा रामदेव द्वारा हम लोगों को नोटिस जारी हो चुका है कि उनके खिलाफ खबर ना चलाई जाए, तो कहीं इस खबर के बाद हम पर गाज ना गिरे। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि जो ये बाबा लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है।